सर मैं ये जानना चाहता हूँ। हाँ सर आपको मेरी आवाज आ रही है? अब अपना इश्यू बताइए इशू ही बता रहा हूँ मैं सर। जी, बोलिए। इशू ये है कि मैंने जो है लोन अप्लाई किया था 10,000 रुपये का। जी लोन तो अभी तक मेरे बैंक में आया नहीं है, 48 घंटे हो चुके हैं और ईएमआई वहाँ पर बन चुकी है। हाँ जी जी सर सर जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, 10 आपको 2 लाख रुपए का लोन मिला था, पर आपने 10,000 रुपये ड्रॉ करवाए थे, है ना सर? चौदह जनवरी वो भी मैंने किया नहीं था। वहां से फोन आया था कि कर लो सर, एक बार तुम कर लो, विश्वास मान लो। विश्वास मान जी लिया, जी पैसा ही नहीं आया बैंक में। हाँ ठीक है सर, 14 जनवरी को, जनवरी को किया हुआ ना ये आपने, तो सैटरडे और संडे तो वर्किंग नहीं रहता सर, मतलब कल सैटरडे को किया हुआ होगा आपने, पर कल 15 थी तो कल संडे को आपके बैंक में नहीं आया होगा, आज या कल में आपके बैंक में अपडेट हो जाएगा सर। ये आप निश्चिंत रहिए, अगर आपके बैंक में नहीं आएगा ये अमाउंट तो ये आपकी ईएमआई भी डिडक्ट नहीं होगी सर। हम क्या बोल रहे हैं सर, हम ये बोल रहे हैं कि लोन को प्रोसेस करने के लिए बैंक का क्या मतलब है। बैंक भले बंद हो, पैसा तो आ जाता है ना अंदर। हम यूपीआई ट्रांजेक्शन करते, पैसा आता नहीं है क्या? जी पर सर हम लोग बैंक ट्रांसफर में, यहाँ से आपके पूरी वेरिफिकेशन सब कुछ हो रखी है, आपकी ईएमआई भी 3 महीने की बन रखी है, जैसे कि मैं देख सकती हूँ फरवरी मार्च अप्रैल की, पर सर ये आपके बैंक में वर्किंग डेज में ही आते हैं, सैटरडे संडे वर्किंग डेज नहीं होते, तो आज का वेट कर लीजिए, आज आपके बैंक में आ जाएगा सर ये। अच्छा, शनिवार को और रविवार को बैंक नहीं आता है सर, वर्क नहीं होती कि आपकी लैंडिंग पार्टनर वर्क नहीं करती? हमारी लैंडिंग पार्टनर वर्क नहीं करती है सर। मुझे तो लगता है पैसा आएगा नहीं, ईएमआई कटती जाएगी हमारी तो। नहीं, ऐसा नहीं है सर, हमारे बहुत कस्टमर इसको यूज करते हैं, ऐसा नहीं होता कि ईएमआई आपकी डिडक्ट हो जाएगी, और आपके पास पैसा नहीं आएगा तो ईएमआई कैसे होगी, आप पैसे का यूज नहीं करेंगे तो ईएमआई कैसे डिडक्ट होगी सर। सर जी मैं क्या बोलता हूँ, बहुत जी कस्टमर आपके यूज करते मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने भी इस पर एक वीडियो बनाया था तो मेरे चैनल पर कम से कम 1,000 कस्टमर के कमेंट आए कि सर पैसा बैंक में नहीं आ रहा है इसका। हाँ, हमारा नहीं आया, हमारा नहीं आया। सर, बट पैसे अगर बैंक में नहीं आते तो लोन कैंसिल हो जाता है, बट आप आज का वेट कर लीजिए, आज आपके बैंक में आ जाएगा सर ये। अच्छा, कब तक आ जी जाएगा? आज आज वेट कर लीजिए। तो जी आज नहीं आया तो फिर उसके बाद देखो, हम आपको बता दें, अगर पैसा हमारे बैंक में नहीं आया ठीक है, जी तो ईएमआई जी कटनी चाहिए, और हमारा जो सिविल है अगर वो इफेक्ट हुआ तो फिर मैं कंप्लेंट करूंगा आपकी। जी सर, वो आपकी ईएमआई बिल्कुल नहीं कटेगी, और सिविल पे भी आपके कोई इफेक्ट नहीं आएगा सर, उसके लिए निश्चिंत रहिए आप। हाँ, क्योंकि पैसा तो भाई 1 रुपया रिसीव हुआ नहीं मुझे है? जी सर, वो मैं समझ रही हूँ कि आपको 1 रुपया नहीं मिला, और आपकी ईएमआई ऐसी नहीं कटती सर वो। और मैं तो वो तो लंबा निकलवाने के कह रहे थे, फोन आया था बोले 1 लाख निकाल लो। मैं बोला पहली जी बार जी 10,000 ही निकालूंगा, तो देखता हूँ आता है जी कि नहीं आता। बोले नहीं आएगा, पक्का निकालो तुम। हमने निकाल लिया, पैसा 2 दिन हो गया आया ही नहीं है। 1 लाख निकाल लेते तो होता क्या, आता ही नहीं पैसा। नहीं, वो भी आता सर, आप आज आज का वेट कर लीजिए, आज आपको अपडेट हो जाएगा सर वो। अच्छा, चलो हम देखते हैं। अगर आज अपडेट नहीं हुआ तो हमने आपको बता दिया है कि भाई हमारा सिविल खराब नहीं होना चाहिए और ईएमआई 1 रुपया भी नहीं कटना चाहिए बैंक से। जी सर बिल्कुल। अच्छा, तो सर इतना टाइम क्यों लगता है? वैसे इंस्टेंटली आना चाहिए। मैं जिप पे लेटर यूज करता हूँ ना, जिप पे लेटर एक अलग है, जिप मूवी के वाला अलग है ना, जी सर उसको यूज करता हूँ तो इंस्टेंटली पैसा ट्रांसफर कर देता, चाहे संडे हो या मंडे हो। सर वो जिप पे लेटर है, उसमें उसका पैसा आपके बैंक में नहीं जाता है, पर जिप ईएमआई का अगर सैटरडे संडे होते हैं तो सैटरडे संडे में नहीं आता है सर। आज आप उसका हम रेंट पेमेंट करते हैं ना, बैंक में आता है ना जी जी पैसा। जी सर जी हाँ, तो रेंट पेमेंट थ्रू आता है, वो तो इंस्टेंटली यूज कर लेते हैं हम और चुका भी देते हैं। इसको आने में बहुत देर लगती है। नहीं सर, अगर आपने मंडे को, जैसे आज आप, अगर आपने आज आपका लोन अप्लाई किया हुआ होता है तो आज आज ही आपका अपडेट हो जाता, आज ही आपके बैंक में हो जाता, आज या कल तक आ जाता, पर आपने सैटरडे संडे को किया है तो वो वर्किंग नहीं होते, तो इसलिए आज सर आज आ जाएगा, आप आज आज का वेट कर लीजिए। अच्छा, जी और कोई जानकारी? है तो जी रियल बोलिए। ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही हो, खाली दिखाने के लिए पैसा ऐड हुआ हो, कुछ नहीं हुआ हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता है, रीजन है, क्योंकि सैटरडे संडे को नहीं आता है सर, ये क्या है, विदाउट इनकम प्रूफ के, विदाउट मतलब डॉक्यूमेंट की होता है। हाँ जी डॉक्यूमेंट मतलब विदाउट इनकम प्रूफ के, इतनी बड़ी लिमिट कैसे दे देते हो? सर, वो मिलती है पहले से, मतलब हमारी मोबिक्विक ऐप में ये मिलती है, जैसे कि आप ट्रांजेक्शन करते रहिए तो ऑफर आता है सर।
तब मिलती है लिमिट आपको। तभी को दे रहे हो लिमिट, तो वो वापस नहीं करेगा तो क्या होगा फिर? सर उनका सिविल इफेक्ट हो जाता है, वो हमारी जिम्मेदारी है वापस लेना। तो सर अच्छा, तो तुम्हारी जिम्मेदारी भैया दिलाना भी है पैसा, ये मान लो। जी 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 सर, वो आप आज का वेट कर लीजिए, आज आ जाएगा, आप निश्चिंत रहिए ओके सर, जी। और कोई जानकारी जानना चाहेंगे आप? बस यही जानकारी लेना चाहता था, क्योंकि मैंने बहुत देखा यूट्यूब के नीचे, तो मैं कंफ्यूज हो गया कि कहीं मेरा पैसा भी नहीं आए तो क्या होगा। नहीं सर, नहीं सर, आ जाएगा वो। चलो ठीक है, अब मैं आज से ध्यान रखूंगा, सैटरडे और संडे को निकालूंगा ही नहीं, जी सर, हाँ जी, सोमवार को निकालूंगा और